फतेहाबाद में शुरू हुआ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले का देर रात क्षेत्रीय विधायक छोटेलाल वर्मा ने मंत्रोच्चार के बीच शुभारंभ किया। विधायक ने भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। मेला 1 सितंबर तक चलेगा। फतेहाबाद कस्बे के आगरा रोड स्थित खंड विकास कार्यालय के नजदीक विशाल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला लगाया गया है, जिसमें दूर दराज से आए दुकानदारों ने अपनी स्टॉल लगाई है। मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक छोटेलाल वर्मा ने फीता काट कर किया। इस दौरान विधायक छोटेलाल वर्मा ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति की रक्षा करते हैं, जिन्हें हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए। इस दौरान मेला आयोजक सुमित कुमार गुप्ता ने सभी का स्वागत किया। मेले का आयोजन किया है सुमित कुमार गुप्ता जी, भाई साहब ने बहुत ही सुंदर प्रबंध किया है। बहुत बच्चों सभी लोगों से अपील है कि आप लोग मेले को देखने अवश्य आए, सभी बच्चे के साथ, पूरे परिवार के साथ। यहाँ बहुत ही बच्चों के लिए सुंदर सुंदर झूले लगाए गए हैं और सारी व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। और सभी से अपील है कि वो यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखें, कूड़ा ना मतलब बिखेरे, और चोर चकों से भी अपनी सावधानी रखें। तो मैं यहाँ पर एक मेला आयोजन किया है, उसका उद्घाटन श्री विधायक जी ने किया है। और हर जगह के हम ऐसे मेले लगाते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ इस मेले का उद्घाटन। और इस मेले में इतनी साफ सफाई है, सीसीटीवी कैमरे की जिम्मेदारी है, सारी बहुत अच्छा लोगों को लगेगा यहाँ पर आके। आसमानी झूला है, नाव है, ट्रेन है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे घर सुई से लेके अचार तक आपको इस मेले के अंदर मिलेगा। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपको मार्केट में जाने, यहाँ एक ही छत के नीचे हज़ारों चीज़ की आपकी दिक्कत। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? हमारे पर्सनल गार्ड भी हैं और पुलिस की बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे हैं, पार्किंग की सुविधा है, इस तरीके की सारी व्यवस्थाएँ हैं हमारे पास। जमीन में आपको धूल नहीं मिलेगी, कारपेट पूरे ग्राउंड में मिलेगी। शुभारंभ प्रमुख रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि प्रकाश शल्या, राजेश कुशवाहा, नीति पंछी, आनंद गुप्ता, सुभाष वर्मा, संजय गुप्ता, प्रदीप मोहनिया, महिला मंडल की अध्यक्ष रेनू अनवारिया आदि लोग उपस्थित रहे। मून न्यूज के लिए फतेहाबाद से प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट।